अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी खबरों के साथ साथ बहरीन में जो है एक इंडियन नागरिक फंसा हुआ है उसके रिगार्डिंग जो है जरूरी अपडेट आई। वहाँ पे एक संस्था है, इंडियन संस्था, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और जो है अगर आप लोग लखनऊ से ट्रैवल करने वाले हैं, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट लेने वाले हैं, तो उसके एयरपोर्ट के रिगार्डिंग भी जो है थोड़ी चेंजिंग हुई है उसमें, टर्मिनल में, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ। सऊदी अरब में पाकिस्तानी और सऊदी नागरिकों को जो है गिरफ्तार किया गया है हज के रिगार्डिंग है। छुट्टियाँ कितनी रहेगी आने वाला जो ईद है, बकरा ईद है, उस पर उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है इसमें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे, गल्फ कंट्रीज में वीजा टिकट के रिगार्डिंग रहे, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए और आपका फीडबैक जरूर कमेंट में दिया कीजिए। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूंगा वो बहरीन से है। बहरीन में जो है एक इंडियन नागरिक जो फंसा हुआ था, जो कलकत्ता का बताया जा रहा था, उसको विजिट वीजा पे किसी एजेंट ने बहरीन भेज दिया था। 1 लाख रुपए के करीब उससे ले भी लिया था और वहाँ पे बोला था कि तुमको जो है जॉब मिलेगी। इसका सब लालच देते हुए उस आदमी को बहरीन भेज दिया, लेकिन वहाँ पे आदमी जाके फंस गया, उसको ना काम मिला ना कुछ, और वहाँ पे हर चीज़ के लिए वो परेशान हो गया। तो वहाँ पे जो है उसने एक संस्था से कॉन्टेक्ट किया। अब ये संस्था जो वहाँ पे काम करती है जिसका नाम है प्रवासी लीगल सेल, और बहरीन में ये काम करती है, जो बहरीन का सेल है ये, वहाँ से इसने जो है उनसे कॉन्टेक्ट किया। फिर उन लोगों ने इनको जो है वहाँ से उठाए और इनका सब इंतजाम करके फिर वापस जो है इस बंदे को इंडिया भेजा। तो अगर बहरीन में भी कोई लोग हैं जिनको किसी भी तरह का तकलीफ हो, इंडियन लोग फंसे हुए हैं, इंडियन एम्बेसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्राइवेट नॉन प्रॉफिट जो संस्था होती हैं ये भी अब हर जगह जो है आने लगी है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि अपने इंडियन लोगों को जो है बचाने के लिए या फिर वहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी मुसीबत में उसको निकालने के लिए ये लोग आगे आते हैं, मदद करते हैं। प्रवासी लीगल सेल नाम है बहरीन का, जो इन लोगों का मेन जो ब्रांच है वहाँ पर, इन लोगों ने ये सब काम किया और ये आदमी को जो है वहाँ से निकाल के फिर जो है कलकत्ता वापस भेजा। दोस्तों बात करते हैं हज 2024 की और बकरीद की। बकरीद का जो है चांद जो है ऑलरेडी हो चुका है सऊदी अरब में, आज जो है वहाँ पे पहला जुलहज्जा है और 15 तारीख यानी 15 जून के दिन जो है अरफा होगा और 16 जून को जो है बकरीद मनाया जाएगा, वहाँ पर हज मनाया जाएगा सऊदी अरब में, और 17 जून को जो है इंडिया में मनाया जाएगा, और कल के डेट में पहला जुलहज्जा इंडिया में रहेगा यानी एशियाई देशों में रहेगा। अब इसके रिगार्डिंग छुट्टियों के का भी ये चल रहा है कि छुट्टियां कितने दिन का रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जो है कहा गया है कि प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर में 4 दिनों की छुट्टियां रहेगी, जो 15 जून से जो है शुरू होगी। तो 15 जून से आगे जो है ये 4 दिनों तक की छुट्टी रहेगी और पहले एक फ्राइडे पड़ जा रहा है, तो लगभग 5 दिनों की छुट्टी जो है लगातार सऊदी अरब में आपको मिलने वाली है। दोस्तों बात करते हैं जो लोग भी ट्रैवल करने वाले हैं लखनऊ से इंटरनेशनल ट्रैवल जिनका भी होने वाला है, फ्लाइट जिनकी भी होने वाली है, तो लखनऊ के एयरपोर्ट का टर्मिनल जो है वो चेंज हो गया है। चेंज पहले ही हो गया था, टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 हो गया था, लेकिन अब जो है 8 जून से यानी कल के डेट से परमानेंटली जो है सारी फ्लाइटें जो है वो टर्मिनल 3 से होंगी। टर्मिनल 3 जो है बन के टोटली रेडी हो चुका है। इसको बनाने में लगभग 2400 करोड़ रुपये का खर्च आया है और इसमें जो है लगभग 80 लाख पैसेंजर, 80 लाख से 1 करोड़ से भी ज़्यादा तक के पैसेंजर एक साल में जो है यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, यानी फुट फ्लो रहेगा यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लगभग इस एयरपोर्ट पे जो नया वाला बना है टर्मिनल 3, यहाँ पे लगभग 13,000 लोगों को जो है नई नौकरी मिलने वाली है, या फिर हो सकता है कि अभी तक वो लोग नौकरी पर लग भी गए होंगे। तो जो लोग भी लखनऊ से ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी अपडेट है, टर्मिनल 3 पर उनको अब जाना होगा। और सऊदी अरब की नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी जो है इन्होंने एक सर्वे करके बताया है, सर्वे का पूरा डेटा जो है इन लोगों के पास रहता है कि सऊदी अरब में जो है कितने गैर मुल्की और कितने जो है सऊदी नागरिक काम कर रहे हैं, लेबर मार्केट में आखिर कितने वर्कर हैं इस समय। तो उसका इन्होंने डेटा जो है डिस्क्लोज किया और बताया है कि प्राइवेट सेक्टर में मई 2024 तक का जो पूरे वर्कर का जो मैन पावर है वहां पे वो 11.3 मिलियन हो गया है, यानी समझिए कि करीब 1 करोड़ 13 लाख लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जिसमें से जो है 2.3 मिलियन सिटीजन है यानी 23 लाख आप कह सकते हैं सऊदी नागरिक है जो वहां के लेबर मार्केट में काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और 9 मिलियन जो है रेजिडेंस है यानी 90 लाख जो है रेसिडेंस है यानी गैर मुल्की हैं, सब एशियाई देशों के और हर जगह के पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे वहाँ पे जो लोग काम करने जाते हैं उनको गैर मुल्की कहते हैं, रेसिडेंस कहते हैं। तो ये 90 लाख जो है गैर मुल्की सऊदी अरब में काम कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा लेबर मार्केट है सऊदी अरब का, और अब जो है और बढ़ता ही जा रहा है।
मक्का शरीफ की पुलिस ने जो है 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें सऊदी नागरिक भी हैं और पाकिस्तानी लोग भी हैं। इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग जो है नकली वीज़ा और नकली हज परमिट बना के लोगों को देते थे हज करने के लिए। यानी कोई भी आदमी अगर वहाँ पे है तो आदमी बोलता होगा और ये लोग भी वो सर्विसेज दे रहे हैं, भैया हम तुम्हारा सारा प्रोसेस कर देंगे, वीज़ा भी वैसा बना के दे देते थे, उसके बाद से हज परमिट का जो कार्ड होता था वो भी बना के दे देते थे, और ये लोग आदमी लोग जो है जाके कर सकते हैं। आए दिन ये लोग अभी पकड़े जा रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तानी भाई लोग भी आ गए, ज़्यादातर जो है इजिप्टियन मिश्री जो होते थे वो इस सब कामों में जो है रहते थे और करते थे, लेकिन अब सऊदी नागरिक के साथ साथ इसमें जुड़ के जो पाकिस्तानी नागरिक है वो लोग भी इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। और आज चूंकि पहला दुर्हज्जा है, यानी जो है हज सीजन का पहला दिन है, तो अब हॉली साइट्स जितने भी हैं, जो लोग हाजी लोग जाते हैं हॉली साइट्स विजिट करते हैं, वहाँ पे जो है जो किसी तरह का लिक्विफाइड गैस सिलेंडर जो होता है आप देख सकते हैं, तो गैस सिलेंडर ले जाने की मनाही है कि आप गैस सिलेंडर लेके ना जाए। कई बार होता है कि लोकल हाजी या फिर और कहीं के भी जो हाजी लोग होते हैं वो लोग थोड़ा गैस सिलेंडर लेके जाते हैं कि हम लोग जो है हॉली साइट्स पर कई कई दिन रहेंगे तो बनाएंगे खाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर मना किया गया, गैस सिलेंडर लेके जाने के लिए मनाही है। 3 रेसिडेंट्स यानी 3 गैर मुल्की और 5 सऊदी नागरिक लोगों को जो है सज़ा सुनाई गई है, यानी उनको जो है जेल भी हुआ है, फाइन भी लगी है, गैर मुल्की को डिपोर्ट भी किया जाएगा। ये लोग जो है लगभग 36 वॉयलेटर को ये लोग हज परमिट दे करके उनको बिना हज परमिट के मतलब काला कांडी करके उनको मक्का शरीफ में हॉली साइट पर इंट्री कराने की कोशिश में थे, तो ये भाई साहब लोग जो है अरेस्ट हुए हैं। अब 3 जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ पर बताया नहीं गया कि किस देश के नागरिक हैं, हो सकता है मिस्री होंगे, और 5 जो है सऊदी सिटीजन थे। इन लोगों को जो है अब सज़ा सुना दी गई है। तो अब जो है ये हो गया, पहले खाली वार्निंग दी जा रही थी भैया हट जाओ, आप लोग जो है अगर बिना परमिट के इधर हैं मक्का शरीफ में हॉली साइट में तो आप यहाँ से चले जाइए, और जो लोग काला कांडी कर रहे थे पहले पकड़ा जा रहा था, अब पकड़ के तुरंत सज़ा भी दिया जा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही अपडेट जो है गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग मेरे इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।